गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज अवधेश शर्मा। आज तुम्हें फिजिक्स का क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। ठीक है, तो फोर्स एंड प्रेशर के लिए सबसे पहले मैं टॉपिक उठाता हूँ फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या होता है? अब फोर्स देखो, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब तुम समझोगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना फोर्स इस पे अप्लाई किया गया है। ठीक है, अब फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है, एक तरीके से पुश और पुल है, या तो पुश किया जा सकता है या पुल किया जा सकता है। विच कैन चेंज, यानी कि फोर्स क्या कर सकता है, एक टाइप का पुश और पुल है जो चेंज कर सकता है किसको, शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सपोज तुम्हारे पास स्पंज की एक बॉल है रबर की, उसको अगर तुम प्रेस करते हो तो क्या होगा, उसकी शेप और साइज बिगड़ जाती है। तो हमने फोर्स अप्लाई किया, उसकी शेप और साइज बिगड़ गई। फोर्स क्या कर सकता है, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की स्टेट को क्या कर सकता है, चेंज। यानी कि अगर वो रेस्ट पर है तो मोशन मूविंग कंडीशन में आ सकता है, मूविंग कंडीशन में है तो रेस्ट कंडीशन पे आ सकता है। ये किसके थ्रू हो सकता है, फोर्स के थ्रू। सपोज किसी ऑब्जेक्ट को, अगर मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तो ये इसकी क्या आ जाएगी, शुरुआत में इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। कुछ देर के बाद ये फोर्स अप्लाई होते ही क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, ये चलने लगेगा। यानी कि ये मूविंग कंडीशन में, ये रेस्ट पर है। यानी कि फोर्स क्या कर सकता है, रेस्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको मूविंग कंडीशन में ला सकता है, मूविंग कंडीशन में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको रेस्ट पर ला सकता है, यानी कि स्टेट चेंज कर सकता है, ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है। तीसरी चीज डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो डायरेक्शन भी तो चेंज कर सकता है। जैसे कि सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव होता है तो उसकी तरफ सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जो उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है। जैसे कि मान लो कोई साइकिल लेके जा रहा है, हल्का सा उसको थोड़ा सा इधर धक्का दे दो वो इधर टिल्ट हो जाएगा, यानी कि उसकी मोशन की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में थी, लेकिन थोड़ा सा तुमने धक्का दिया तो वो उधर जाकर कहीं गिर भी सकता है, या फिर उसकी मोशन की डायरेक्शन क्या हो सकती है, चेंज। यानी कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसा पुश और पुल है जो कि क्या क्या चेंज कर सकता है, शेप और साइज बिगाड़ सकता है ऑब्जेक्ट की, स्टेट को बिगाड़ सकता है, और डायरेक्शन, मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। और इसके बारे में अगर कुछ दो चार पॉइंट और बताएं तो इसमें देख सकते हैं, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, तुम्हें मैं बता चुका हूं फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सकती है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी। इसकी यूनिट, इट्स यूनिट, यूनिट क्या होती है इसकी, इसकी यूनिट होती है न्यूटन। तुमने साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, सर इसाक न्यूटन, उन्होंने ही इस फोर्स को इजाद किया था। ठीक है, तो ये चार पांच पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए कि फोर्स में क्या क्या है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए चार पांच पॉइंट कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि फोर्स के टाइप क्या होते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आफ्टर क्लास यू कैन मैसेज मी ऑन द ऑक्टागन व्हाट्सएप मैसेज। तो ये चार पांच पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब फोर्स के हम बात करते हैं टाइप, टाइप कितने तरीके के होते हैं। देखो, इनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक, अब कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा होता है, विच रिक्वायर, डायरेक्टली बता सकते हैं इसमें तुम डेफिनेशन, तुम भले बुक से देख लेना नहीं तो डायरेक्टली तुम भी खुद बना सकते हो, विच रिक्वायर फिजिकल कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट। और इसके बारे में क्या लिखेंगे, विच डू नॉट रिक्वायर फिजिकल कॉन्टैक्ट, जिसको फिजिकल कॉन्टैक्ट
होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब कॉन्टेक्ट फोर्स है यानी कि हमारा उसका किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स लगाएंगे तो उसका और ऑब्जेक्ट मतलब मेरा और ऑब्जेक्ट के बीच फिजिकल टच होना जरूरी है, फिजिकली कॉन्टेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट और जो फोर्स अप्लाइंग है वो आपस में एक दूसरे में कॉन्टेक्ट में आना चाहिए। तो कौन कौन सा होते हैं ऐसे फोर्स, अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो कॉन्टेक्ट फोर्स सबसे पहले हमारा कौन सा हो जाएगा, मस्क्यूलर फोर्स या मसल्स फोर्स। मस्क्यूलर फोर्स जो भी हम काम करते हैं, कोई भी गेट लगाना हो, किसी भी बोर्ड को धक्का देना हो, किसी भी बॉक्स को धक्का देना हो, तो हमारा उससे फिजिकली कॉन्टेक्ट होना जरूरी है। विदाउट एनी कॉन्टेक्ट बैठे बैठे आपका बॉक्स मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो यानी कि मस्क्यूलर फोर्स किस कैटेगरी में रखा गया है, कॉन्टेक्ट फोर्स की कैटेगरी में। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो कौन सा होता है, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब फ्रिक्शन फोर्स के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको, ये थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। फ्रिक्शन फोर्स तुम जानते होंगे, जैसे सपोज कोई अलमीरा रखी है या कोई भी बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये सपोज इधर पुश कर रहा है एफ फोर्स है, ठीक है, तो ये इतनी आसानी से मूव नहीं होती है। हम थोड़ा सा अगर लाइट सा फोर्स लगाएंगे, कुछ कम फोर्स लगाएंगे कि वो मूव नहीं हो, तो यानी कि फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स तो इसको मूव कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन बॉडी मूव नहीं हो रही है, इसका मतलब बैक साइड में कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स किस किस के बीच लगता है, कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच, जो दोनों सरफेसेस हैं उन दोनों के बीच कॉन्टेक्ट होने से लगता है आपस में। एक्चुअल में होता क्या है, थोड़ा सा अगर मैं इसको थोड़ा सा तुम्हें मोलिकुलर लेवल पे बताऊं तो इस तरीके से इरेगुलरिटीज रहती है सरफेस में आपस में, तो ये क्या हो जाता है, यहां पर लॉकिंग हो जाती है। ये लॉकिंग होने से अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम मूव कराते हैं तो ये लॉक क्या होता है, ब्रेक नहीं होते, और ये इस होने वाले एफ एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल फोर्स ये अप्लाई कर रहा है उसका अपोज करता है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, अपोज रिलेटिव मोशन। कौन सा मोशन, रिलेटिव मोशन, आपस में एक दूसरे में रिलेटिव मोशन ही तो हो रहा है, यानी कि ये जो अलमीरा है या ये कोई बॉक्स है ये फ्लोर के रेस्पेक्ट में ही तो चलेगी, यानी कि रिलेटिव मोशन का अपोज करता है कौन, फ्रिक्शन फोर्स, और उसके लिए कॉन्टेक्ट फोर्स, कॉन्टेक्ट होना रिक्वायर है। ठीक है, तो किसी भी चीज को आप मूव करते हो तो फ्रिक्शन फोर्स उसका क्या करता है, अपोज करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, तो इसको भी किस कैटेगरी में रखा गया है, कॉन्टेक्ट फोर्स की कैटेगरी में। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके यहां पर डायग्राम को समझने के लिए नोट्स बनाओ, तब वीडियो पॉज करके ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। थर्ड फोर्स जो है हमारा कॉन्टेक्ट की कैटेगरी में वो कौन सा है, नॉर्मल। नॉर्मल फोर्स लगता है सरफेस के परपेंडिकुलर। सपोज कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरीके से सरफेस पर एम मास का, तो इस पर नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, एम जी, जो कि कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, लेकिन यहां पर ये जो सरफेस है इस ब्लॉक पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगी जिसको मैं नाम दूंगा नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स क्या रहता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है। परपेंडिकुलर का साइन इस तरीके से होता है, थोड़ा सा ये नॉर्मल फोर्स है जो कि किसके परपेंडिकुलर रहता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। अच्छा, और सरफेस पे टच होगा तभी लगेगा। ठीक है, हम सब पर लग रहा है, अगर मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं तो मेरे को अर्थ खींच रही है एमजी फोर्स से नीचे, तो ये जो टाइल है
ये जो सरफेस है नीचे ये मेरे ऊपर कितना फोर्स लगा रही है, नॉर्मल फोर्स, तब जाके ही मैं यहां पर खड़ा रह पा रहा हूं, क्योंकि नेट फोर्स मेरे ऊपर क्या है, जीरो। आगे चीज समझो, तो इस तरीके से ये तीन टाइप होते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स के, है ना, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स। आपको पता होना चाहिए नॉर्मल डेफिनेशन, तो आप बुक से भी देख सकते हो, मॉड्यूल से भी देख सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कौन सा कब क्या है नॉर्मल जनरल सेंस में, कि फ्रिक्शन कब लगता है, कि किसी भी बॉडी को मूव कराते हैं तो वो आसानी से मूव नहीं होती है, वो अपोज करती है, उसका अपोज होने का रीजन क्या है, फ्रिक्शन फोर्स बैक साइड पे वर्क करता है इसलिए बॉडी मूव नहीं हो रही है। मस्कुलर फोर्स कॉन्टेक्ट फोर्स की कैटेगरी में आता है, हाँ हम कोई भी काम करते हैं, कोई प्लेट उठाना हो, कोई किसी भी टेबल को मूव कराना हो, तो हमें मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है, विदाउट एनी फिजिकल टच, विदाउट एनी कॉन्टेक्ट वी कांट मूव दैट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। और नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स किसके थ्रू लगता है, फ्लोर के थ्रू लगता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कॉन्टेक्ट फोर्स से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी आपके पास। अब सेकंड क्या होता है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स देखिए, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स जिसको फिजिकली फिजिकल टच होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि कॉन्टेक्ट नहीं भी हो तो भी चलेगा, जैसा कि तुम जंप करते हो, जंप करते हो तो भी अर्थ तुम्हें क्या करती है, नीचे की तरफ खींचती है, यानी कि तुम अर्थ के थ्रू जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे तुम कभी बच ही नहीं सकते। तुम अभी फ्लोर पर टच हो, तुम कहीं बैठे हो, चेयर पर बैठे हो, हमेशा एमजी लगी रहा है, जंप करोगे अर्थ से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है फिर भी अर्थ तुम्हें नीचे खींच ही लेगी, जंप करोगे वापस नीचे आते ही हो, नीचे आने का रीजन क्या है, एमजी फोर्स लग रहा है, एमजी फोर्स किसके थ्रू लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स से कोई नहीं बच सकता, चाहे कॉन्टेक्ट में हो चाहे नॉन कॉन्टेक्ट में हो, यानी कि इसको हमने किस कैटेगरी में रखा गया है, नॉन कॉन्टेक्ट, यानी कि इसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि कॉन्टेक्ट हो या नहीं हो, ये तो हमेशा लगा है वैसे, ठीक है। फोर्स अप्लाई बाय द अर्थ, बाय द अर्थ और फोर्स बिटवीन एनी टू मसल्स, किन्हीं भी दो मास के बीच में लगता है, आप में और मेरे बीच में भी लग सकता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट पास पास में है जिनके पास मास है उनके बीच में लग सकता है, लेकिन ये फील नहीं होगा क्योंकि बहुत छोटा है, लेकिन अर्थ एक मास है और दूसरा मास अपन है तो ये फील होगा, अर्थ और मेरे बीच लगने वाला फोर्स या अर्थ या तुम्हारे बीच लगने वाला फोर्स फील होगा, लेकिन दो छोटे छोटे मास के बीच लगने वाला फोर्स फील नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मास बहुत छोटा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत छोटा रहता है, जबकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स फील हो जाता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद बात की जाए तो दूसरा नॉन कॉन्टेक्ट टाइप है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स बिटवीन वन चार्ज्ड बॉडी, यानी कि एक बॉडी चार्ज हो, वन चार्ज बॉडी एंड अदर चार्ज हो या ना हो उनके बीच ये लगेगा, यानी कि कोई भी एक चार्ज बॉडी है वो किसी दूसरी चार्ज या अनचार्ज बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर सकती है, उसके बीच लगने वाला फोर्स कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सबसे अच्छा एग्जांपल वही है, आपने खुद ने किया होगा, स्केल को जैसे रब करते हो तो आप जो पेपर के पीसेस रहते हैं बारीक बारीक कागज के, वो अपना विदाउट एनी कॉन्टेक्ट वो उससे खींचे चले आते हैं, यानी कि उन पर फोर्स अप्लाई होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वही फोर्स है, क्योंकि हम जब रब करते हैं किसी स्केल को सिर पर तो तेल के थ्रू हमारे पास क्या आ जाता है,
चार्ज आ जाता है स्केल पर, तो जो पेपर पीस होते हैं उनको वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिना कॉन्टेक्ट के ये अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इसके बारे में और भी जानकारी होगी तो कभी बताएंगे, हालांकि तुम्हारे कोर्स में इतना ही है क्योंकि इस पर 11th में पूरा चैप्टर आता है। ठीक है, इस फोर्स पर रिलेटेड। और नेक्स्ट थर्ड नॉन कॉन्टेक्ट टाइप आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल मैग्नेटिक फोर्स है ना। मैग्नेटिक फोर्स ये तो आप खेलते हुए आए, फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट, फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट, यानी कि तुमने देखा होगा नॉर्थ नॉर्थ पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं बिना कॉन्टेक्ट के, और नॉर्थ साउथ पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यानी कि वो मैग्नेटिक फोर्स है, उनके बीच लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स किसमें आता है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में। तो इस तरीके से ये हमारा फोर्स के बारे में हम आज की जानकारी ली, फोर्स क्या होता है, क्या क्या अफेक्ट होता है फोर्स का, फोर्स के टाइप कितने होते हैं, दो टाइप का होता है कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट। फर्स्ट जो कॉन्टेक्ट है उसमें नॉर्मल फोर्स होता है, और कौन सा होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, और एक और हमने बताया था फर्स्ट, ठीक है वो देख लीजिएगा। तो नॉन कॉन्टेक्ट में भी तीन टाइप के हैं, कॉन्टेक्ट भी तीन टाइप के, मस्कुलर फोर्स है ना। चलो ठीक है, तो फोर्स के लिए यहां पर क्लास फिनिश, इसके बाद हम प्रेशर के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू। चलो तो बच्चों अब हम थोड़ा स्टडी करते हैं प्रेशर के बारे में कि प्रेशर क्या होता है। जैसा कि डेफिनेशन में तुम कहीं से भी देख सकते हो, ये छोटी सी इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड क्या होता है, प्रेशर। ठीक है, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि हम इसको मेजर कर सकते हैं। इसकी यूनिट, इसका फॉर्मूले की बात की जाए तो जैसा डेफिनेशन में फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, न्यूटन फोर्स की क्या होती है यूनिट, अभी बताया है, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम बोल देते हैं पास्कल। तो पास्कल ही इसकी क्या है, एसआई यूनिट है, यानी कि पास्कल प्रेशर की क्या है, यूनिट। क्योंकि यहां पर एक पास्कल साइंटिस्ट था, उसी ने क्या किया था, इस प्रेशर को इजाद किया था, तो उन्होंने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहां पर न्यूटन नाम आ रहा था, तो उन्होंने खुद को चेंज करके क्या कर दिया, पास्कल। यानी कि प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, पास्कल। ठीक है, बाकी यूनिट भी होती है, बार भी होती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रेशर। तो अब प्रेशर देखो कैसे देखा जाता है, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर ये इस तरीके से सरफेस पर रखा हुआ है, अगर मान लो इसका मास क्या है 10 kg, तो इस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, mg लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगता है, नीचे की तरफ। मास कितना दिया हुआ है इसका 10, तो m की जगह हम क्या पुट करेंगे 10। g की वैल्यू फिक्स होती है 9.8 होती है या फिर 10 होती है। ठीक है, तो क्लास 8 में लगभग, क्योंकि 9.8 अप्रोक्सीमेट हम 10 ही लेते हैं कैलकुलेशन वाइज, बट एग्जैक्ट 9.8 होती है। कितनी होती है 9.8, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 10 × 10 मोशन में अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको जी। अभी के लिए एफ इज इक्वल टू क्या होता है, mg, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है, यानी कि ये कितना हो गया 100 न्यूटन। यानी कि इस 10 kg के ब्लॉक पर नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन। अब सपोज इसका एरिया, यानी कि जो कॉन्टेक्ट एरिया है, ये एरिया हमको दिया गया है 5 m². ठीक है, तो कितना प्रेशर अप्लाई होगा, तो हम यहां से निकाल सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है 100, एरिया कितना है 5, यानी कि 20 pascal। पी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है शॉर्ट फॉर्म, यानी कि इस ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, 20 pascal का। ठीक है, अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको थियोरेटिकल
समझा देता हूं कि एक्चुअल में फोर्स, ये नोट्स कॉपी जरूर कर लेना ठीक है, पॉज करके। अब जैसा कि प्रेशर तुम्हें पता चल रहा है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अगर सपोज कोई एक एप्पल है ठीक है, उस एप्पल को क्या मैं फिंगर से कट कर सकता हूं क्या? अगर मान लो मैं जितना फोर्स लगा रहा हूं, मैं लगा रहा हूं सपोज 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, एप्पल कट नहीं हो रहा फिंगर से, लेकिन अगर फिंगर की जगह मैं नाइफ यूज करता हूं और उतना ही फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन का है ना, 20 न्यूटन का जो भी लगाया था अभी, तो वो झट से कट हो जाएगा। कट होने का रीजन क्या है, जो एरिया है नाइफ का वो क्या है, कम। अगर एरिया डिक्रीज होता है तो प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। यानी कि जो फिंगर का एरिया था, जो टचिंग एरिया था, वो क्या था, ज्यादा था, इसलिए एप्पल कट नहीं हो पा रहा था। इसकी जगह अगर मैंने नाइफ को यूज लेता हूं तो नाइफ और जो एप्पल है उसके बीच जो कॉन्टेक्ट एरिया है वो बहुत कम है, नाइफ बिल्कुल बारीक सा पतला सा, तो एरिया कम होने से प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर कम होने से, प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, कट हो जाएगा ठीक है। तो एक अच्छा एग्जाम्पल है ये समझने के लिए। आपने देखा होगा कैमल इजीली वॉक करता है ऑन सैंडी एरिया, क्यों? क्योंकि उसका पैर का जो एरिया है वो क्या हो, बड़ा है। एरिया ज्यादा होने से प्रेशर क्या होता है, कम। तो वो जो प्रेशर अप्लाई करता है वो कम प्रेशर अप्लाई करता है और फिर दूसरा पैर सामने रख लेता है। जबकि हमारे थ्रू क्या होता है, हम जो पैर रखते हैं, हमें अगर मान लो रनिंग करना हो सैंडी एरिया में, सैंड हो जहां पर रेत हो, अगर हमें रनिंग करना है तो हम रन करेंगे तो हमारे पैर का एरिया क्या है, कम। प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। ज्यादा प्रेशर तो हमारा पैर कहां चला जाएगा, नीचे अंदर धंस जाएगा। जब वो अंदर डेप्थ में चला जाएगा तो हमें वापिस से दौड़ने में दिक्कत आएगी। तो इजीली वॉक कर सकता है कौन, कैमल। क्यों? क्योंकि उसके पैर का साइज बड़ा है। और इसके अच्छे एग्जांपल तुम देख सकते हो, जो ट्रैक होती है रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक के क्या होते हैं, स्लीपर्स। वो जो इस तरीके से रेलवे ट्रैक रहती है ना, इसके बीच में इस तरीके से रहता है, इनको बोलते हैं स्लीपर्स। ये स्लीपर्स है, इनका एरिया ये थोड़े से अच्छे विड्थ के बनाए जाते हैं, है ना, ऐसे सिंपल लंबे लंबे नहीं बनाए। इनको रेलवे ट्रैक के नीचे बिछाया जाता है, आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक देखिए था। इससे क्या होता है, जैसे इतनी बड़ी जो इतना हेवी ट्रेन है, अगर मान लो वो पटरी पर खड़ा हुआ है, रेलवे ट्रैक पर खड़ा हुआ है, तो क्या होगा, ये अगर इस लाइन पर ट्रेन खड़ी हुई है, इन दोनों लाइन पर, तो जो उसका व्हील का एरिया है वो बहुत कम है। एरिया कम होने से प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। तो क्या होगा, नीचे चली जाएगी ट्रेन, आराम से उस जमीन में अंदर डेप्थ में एंटर कर सकती है। तो उसको हटाने के लिए, मतलब ऐसा ना हो, तो हम क्या लगाते हैं, स्लीपर्स। स्लीपर्स इनका एरिया क्या हो जाता है, बढ़ा देते हैं। ये काफी विड्थ में होते हैं ठीक है, अच्छे खासे विड्थ में लगाए जाते हैं और थोड़ी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बाद यूज किए जाते हैं, थोड़ी सी देर में फिर आगे, थोड़ा सा चले फिर आगे ठीक है। एरिया बढ़ने से क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होने से वो जो ट्रेन है, इतना हेवी हेवी ट्रेन है, वो हमारी नीचे एंटर नहीं हो जाए ठीक है, नहीं तो धस जाएगी ना जमीन में ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल तुम देख सकते हो, जो इस तरीके से ये नेल आपने देखी होगी, आगे का पॉइंट इसका क्या रहता है, थोड़ा सा तीखा रहता है, क्योंकि यहां पर इसका एरिया क्या हो जाएगा, कम। एरिया कम होने से क्या होगा, प्रेशर ज्यादा, आराम से अंदर डेप्थ में, जैसे एक मारते हैं हम किसी वॉल पर तो ये एंटर कर जाती है ठीक है। तो अच्छे खासे आपके पास तीन चार एग्जांपल है, कैमल का हो गया, रेलवे ट्रैक के जो स्लीपर्स हैं उनको स्लीपर्स ही बोला जाता है ठीक है, और
एक वो एप्पल वाला एग्जांपल हो गया, एक नेल वाला एग्जांपल हो गया। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि प्रेशर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अभी थोड़ा बहुत और बाकी है प्रेशर, उसको मैं और बताऊंगा आपको, ठीक है। आज के लिए फोर्स एंड प्रेशर की ये क्लास यहीं पर फिनिश की जाती है। थैंक यू।